जब रोते रोते ज्यादा ही रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, तो आंखों का क्या हाल होगा? आंखें सूज जाती है कि नहीं है? रोते रोते सूजती है ना, और सूजने के बाद भी फिर उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा है? खून भी आंसू बहेंगे। फिर बेहद की भी बात है, क्या खून एक तो होता है स्थूल और एक खून होता है सूक्ष्म, संकल्पों का खून। तो संकल्प जब खराब खराब संकल्प चलते हैं, दुखदाई संकल्प चलते हैं, तो कहा जाता है संकल्पों का खून हो गया। अच्छे अच्छे संकल्प का चलेंगे तो ये थोड़ी गया संकल्पों का खून हो गया। दुनिया में सब पतित होते हैं और दुनिया में सब पावन होते हैं, ये पतित दुनिया और पावन दुनिया किसी संबंध युग में ही पूरा या सबसे लागू में बात हो रहा है। संगम माने क्या है? संगम माने पतित और पावन का संगम नहीं। अभी पतित और पावन का संगम कब से कहें? एवर पतित और एवर पावन, और दोनों का संगम है या नहीं है? और है तो कब से है? हैं? उससे पहले एवर पतित और एवर पावन नहीं है? क्यों है? था ही नहीं, माने वो आत्मा ही नहीं थी। हाँ, हाँ? उस समय पुरुष प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। अभी प्रैक्टिकल प्रूफ है, है? छत्तर के बाद है। पहले धोबी घाट नहीं था, धोबी घाट तो नहीं, धोबी घाट तो था लेकिन उस समय तो 300-400 ही थे। उसका मिसाल दिया कि अमेरिका के अखबार में निकल गया कि हमें 16,000 चाहिए, अभी 300-400 ही मिली है। तो 300-400 को एवर पतित नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे एवर पतित तो राजाओं में भी हुए हैं जो 400-500 रानियां रखते थे। और ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज्य कब आएंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य कब आ गया? राम राज्य कब आएगा? राम का राज्य पहले अपनी घरवाली के ऊपर होना चाहिए कि पहले दुनिया वालों के ऊपर होना चाहिए? पहली रचना कौन है? अरे कोई के जीवन में पहली रचना कौन है? पहली रचना पत्नी है या बच्चे हैं? हैं? पहली रचना तो पत्नी है। तो जगत पिता है राम, और राम जगत पिता है, तो जगत माता के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रचयिता के अंडर में रचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? लेकिन है, अभी तो है नहीं। हाँ, जगत अंबा के कंट्रोल में सारी दुनिया होने वाली है अभी।
और यही शूटिंग होती है। द्वापर के आदि में एक शिव की अव्यभिचारी पूजा होती है और द्वापर के अंत में देवियों की पूजा शुरू हो जाती है कलयुग के आदि में, और कलयुग के अंत में देवियों देवियों की ही पूजा होती है, सारी दुनिया में देवियों की पूजा, लास्ट में ऐसी स्टेज हो जाती है, अति हो जाती है। देवियों को ही भगवान समझ बैठते हैं, अति का फिर अंत होता है, भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है, तो क्या रिजल्ट आता है? डूबी जा डूबी जा। एक के प्रत्यक्ष होने से अनेक डूबी जा डूबी जा, सारी दुनिया झूठी साबित होती है और एक एक सच्चा साबित होता है। तो वो सच्चाई जो है वो प्रत्यक्ष कब होगी? सच्चाई के प्रत्यक्ष होने का भी टाइम है कि नहीं है? क्या है? हाँ, ब्रह्मा बाबा के जो 50 साल हैं, जिनके आधार पर ये झूठी दुनिया चल रही है। कैसे? ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल, वो कृष्ण की सोल गीता का भगवान समझ बैठी है। ये है दुनिया की बड़े से बड़ी भूल, और दुनिया में पहला पत्ता है कृष्ण। तो कृष्ण आत्मा की बुद्धि में ये पहले पहले बैठे, मैं गीता का भगवान नहीं हूं, तब ये सर्वव्यापी वाली बात खत्म हो। सर्वव्यापी वाली बात की शुरुआत भी कौन सी आत्मा से होती है? कृष्ण से। ये है बड़े से बड़ा झूठ। कृष्ण कोई बच्चे के रूप में जन्म होता है या आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में? आत्मा होती होगी, होती होगी। भक्ति मार्ग में सर्वधर्म परित्यागम नामेकम शरणागतम कृष्ण ने गाया, समझते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ करके, सब धर्म, धर्म माने धारणाएं, इनकी कुछ धारणा है, इनकी कुछ धारणा है, इनकी कुछ धारणा है, हमारी कुछ धारणा है, आपकी कुछ धारणा है, सबकी धारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन सबकी धारणाओं को त्याग दो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये मुख्य मुख्य हैं, इनकी धारणाओं को त्याग दो। किसकी बातों पर धारण करो? माम एकम शरणम ब्रज, सिर्फ मेरी बातों को धारण करो। मैं जो बताता हूं वो रास्ते पर चलो, मैं जो कहता हूं सो सच, और दुनिया जो कहती है सो सब झूठ। झूठी धारणाओं पर न चलो। मेरी शरण में आ जा और किसी को माथा न झुका। मेरे को दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम क्या है? ऐसे लेट जाए? दंडवत प्रणाम का मतलब है सभी इंद्रियों से जो भी कर्म कर, जैसे मैं चलाऊं इंद्रियों को वैसे इंद्रियों को चला, संपूर्ण समर्पण कर दे, अर्पण कर दे। आंख भी मेरी इच्छा के बगैर नहीं चलनी चाहिए, आंख भी जहां मैं चलाना चाहूं वहां चले, मैं चलाना चाहूं वहीं आंख चले, दूसरी जगह आंख न चले। अगर दूसरी जगह चलायमान हो गई
तो शरणम व्रज मामेकम ये नहीं कहेंगे। श्रीमत में मनमत भी मिक्स कर ली और धतूरे का फूल लंबा लंबा होता है ना, फूल होते हैं ना, फूल भगवान के ऊपर अर्पण किए जाते हैं, कांटे तो नहीं अर्पण किए जाते हैं, लेकिन धतूरे के फूल में कांटे भी होते हैं। क्या कांटे भी होते हैं? जब वो फल बनता है ना तो ढेर सारे कांटे बन जाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं। इसीलिए तो बताया कि कोई भी देवता के ऊपर कांटे नहीं चढ़ाते होंगे, एक शिव ही ऐसा है जिसके ऊपर कांटे भी चढ़ाए जाते हैं। और धतूरे का फूल जो है वो तो अपवित्र की यादगार है। जो अपवित्र बहुत होते हैं तो वो फूल दिखाया गया, लंबा फूल हो गया, लंबा छेद हो गया, वो वैश्या की यादगार है। उसमें वो खुशबू नहीं रही जो रूहे गुलाब में खुशबू होती है। और हम सबके लिए लागू होता है और किसके लिए लागू होता है? हाँ हाँ, हाथ उठाओ माने बुद्ध रूपी हाथ हम उठाएं और वो अपना स्थूल हाथ उठाएं। हम बुद्धि से उठ खड़े हों, बुद्धि में उमंग उत्साह आ जाए और वो ये हाथ उठा देंगे तो सफल कौन होगा? जो बुद्धि का हाथ उठाएंगे, उमंग उत्साह हमें आएंगे, वो ही सफल होंगे। हमारे लिए बेहद में बोलते हैं और हद की आत्माएं हद में उठाती। संपूर्ण होने के बाद ही क्या कंसी जरासंधी दिखाई पड़ते हैं? कंसी जरासंधी असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं। असुर पहले पैदा हुए या देवताएं पहले पैदा हुए? पांडव देवात्माएं हैं और कौरव यादव आसुरी आत्मा है ना? गुप्त कौन रहते हैं और पहले प्रत्यक्ष कौन होते हैं? हैं? कौरव यादव पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जो कंसी जरासिंधी है वो तो अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, 2018 में भी प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, 2018 में उनके बड़े बड़े रूप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी जो छोटे छोटे रूप में है, कंसी जरासिंधी शिशुपाल का पार्ट बजाए रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कृष्ण अभी भी गुप्त है। बीके कहीं गुलजार दादी में पार्ट बजाए रहा है कौन? कृष्ण वाली आत्मा। हम कहेंगे नहीं, रुद्रमाला की जितने भी मणके हैं सब में प्रवेश करती है वो आत्मा नंबर वार। और प्योरिटी विजय प्राप्त करती है कि इम्प्योरिटी विजय प्राप्त करती है? विजय किसके हाथ लगेगी?
हैं, प्योरिटी, प्योरिटी के हाथ विजय लगती है। जो पवित्र बनेंगे वो पवित्रता का झंडा बुलंद करेंगे। इसलिए देखा होगा हिंदुस्तान में या विदेशों में भी, जहाँ कहीं भी, कौन से धर्म के लोग हैं जो चारों ओर झंडा 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 लगा देते हैं? कोई है या नहीं? बहुत ही धर्म के लगाते हैं। तो इससे साबित होता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, विधर्मी और स्वधर्मी भी, उन सब के बीच में अभी दुनिया के अंदर पवित्रता का पालन कौन सा धर्म कर रहा है? बौद्ध धर्म ही कर रहा है। वो स्थूल झंडे अभी लगा रहे हैं, स्थूल पवित्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन है बेहद की पवित्रता की बात। गर्गृहस्थ में रहते पवित्र रह करके दिखाना। वो बेहद के बौद्ध ही जब ब्राह्मणों की दुनिया में से निकलेंगे, ऐसे बड़े बड़े सन्यासी तुम्हारे एडवांस ज्ञान में निकल पड़ेंगे, तब तुम बच्चों की विजय हो जाओगी। तो बेहद की प्योरिटी की बात है। भी है ना, एडवांस ना। यहाँ प्योरिटी होती है, देवताओं में प्योरिटी होती है, तो देवताएं सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, या दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं? हैं? सुखी और शांत रहते हैं। कोई धंधा दोरी करते हैं क्या? हैं? धंधा दोरी भी ज्यादा नहीं करते दिखाई पड़ते। बौद्ध भी आज की दुनिया में देख लो, हैं? हट्टे कट्टे मुस्तंडे घूमते रहते हैं। कोई धंधा दोरी कर रहे हैं? कोई कसी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं? कोई खेती कर रहे हैं? कुछ है नहीं। फिर भी देखो खाते पीते हट्टे कट्टे हैं। ये कौन सी, किस बात की कमाल है? प्योरिटी की कमाल है। हम अभी उनको समझाने जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। क्यों क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि अभी हमारे अंदर घरगस्त में रहते पवित्रता की जो पावर आनी चाहिए, वो पावर अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो नहीं झुक रहे हैं। जैसे ही हमारे अंदर वो पवित्रता की पावर आ जाएगी, झुक जाएंगे, हमारे पक्षपाती हो जाएंगे, विजय का झंडा हमारे हाथ में दे देंगे। इसलिए बाबा ने बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और बाबा किनारे में पूछते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े चले बढ़ाने में रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों पर चमार बजी, ये क्या बात है? बड़े बढ़ाई, बड़े चले बढ़ाई में, बड़े चले बढ़ाई में, माने अपनी कीर्ति और अहंकार में ज्यादा डूबे रहते हैं। रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है कि हमारी देखो कितनी कीर्ति व्याप्त है चारों ओर, कितनी हमारी महिमा हो रही है। सतगुरु का परिचय नहीं है तो कोई भी वर्ण वाला हो और कितना भी ऊंचा उठ जाए, कोई काम का नहीं है। उसकी कीर्ति सब बेकार है, धूल छाई है। नारायण की कीर्ति के सामने किसी की कीर्ति टिकेगी? नारायण की एक ऐसी कीर्ति है जिसने भगवान को पहचाना है, और पहचानने के कारण एक ही नारायण है दुनिया में जिसकी कोई भी गिलानी नहीं है। और चाहे दुनिया में कितने भी कीर्ति वाले हों, महिमा वाले हों, सबकी गिलानी गिलानी हो गई तो धूल समान हो गई ना। द्रौपदी अति माने क्या मालूम है?
है? पति माने रक्षक, पाति जो रक्षा करता है उसको कहते हैं पति। जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, कोई सेंटर पर भेजी जाती हैं सेवा करो, तो वहां कोई न कोई भाई निमित्त बनता है सेंटर संभालने के कि नहीं बनता है? हैं? अरे सेंटर को संभालने के लिए, पालना देने के लिए कोई भाई निमित्त बनता है कि नहीं? तो वो भाई जैसे कि रक्षा कर रहा है समाज वालों से, और एक सेंटर में से ट्रांसफर हुआ दूसरे सेंटर में चली गई, तो दूसरा कोई रक्षा करेगा? कन्याएं माताएं बिना किसी भाई के संरक्षण के रह सकेंगी आज की दुनिया में? नहीं। तो वो पति हो गए, फिर दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर, पांच सेंटर बदले तो पांच हो गए संरक्षक, इस अर्थ में बोला है। और ब्रह्मा सो विष्णु बनने का पार्ट किसका है? विष्णु की भुजाएं कितनी है? हैं? चार भुजाएं। वो चार भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ हैं? हैं? जड़ हैं। समझाओ इन्हें। हैं? भुजा जो है सहयोगी को कहा जाता है। सहयोगी जो बनेगा वो चैतन्य सहयोगी बनेगा या जड़ सहयोगी बनेगा? भुजा का अर्थ क्या है? भुजा माने मददगार, सहयोगी। कोई राइटियस रूप में सहयोगी बनता है, कोई लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी बनता है। राइटियस रूप में ब्रह्मा सहयोगी बने शिव बाबा के, शंकर को राइटियस रूप में सहयोगी नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी। अरे सीधी उंगलिया से ये नहीं निकलता है, चलो हम टेढ़ी से निकालते हैं, तुम सुधरो, सुधरना पड़ेगा तुमको। हमको मत सुधारो। शंकर जी क्या कहते भाई? हैं? शंकर जी क्या कहते भाई? हमको मत सुधारो, तुमको सुधरना पड़ेगा। हमको मत देखो हम क्या करते हैं, तुम अपने कर्मों को देखो। इसलिए मुरली बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर क्या करता है क्या नहीं करता है ये तुम्हें देखना भी नहीं है। हाँ शिव बाबा जैसे कहते हैं वैसे अपन को देखना है कि हम वैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। है और प्रश्न तुम्हारा हल हो गया कि नहीं? क्या क्या प्रश्न हल हो गया? विष्णु की चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ हैं? अभी भी मुझे हुए हो ऐसे कर तो दिया कि आ गया समझ में। चारों भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ हैं? हैं? चैतन्य हैं। उन चारों भुजाओं में सर्वश्रेष्ठ भुजा कौन सी है? चारों एक जैसी हैं या नंबरवार होंगी? हाँ तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अव्वल नंबर कौन है, द्वयम नंबर कौन है, तीसरा नंबर कौन है, चौथा नंबर कौन है? और भुजाएं जो हैं वो खुद ही चलती हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई होता है? हैं? भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाओं को कोई चलाता है? कौन चलाता है?
अरे दो भुजाएं हैं हमारे, हैं? इन दो भुजाओं को चलाने वाला कोई है? ये अपने आप ही चलती रहती हैं, हैं? कौन है? आत्मा है चलने वाली। ऐसे ही विष्णु की चार भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं को चलाने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? अरे शिव बाबा, वो कहां किस रूप में है? जो चार भुजाओं को चलाने वाला शिव बाबा है वो किस रूप में है? मुख्य कौन सी आत्मा है जो उसमें पार्ट बजाती है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा हो गई तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र कह दो, मुख्य भुजा कह दो, या भुजाओं को चलाने वाला कह दो। बाकी दो भुजाएं हैं राइटियस, उनमें भी एक नीची और एक ऊंची। ऊंची वाली कौन है? है नीची वाली है ब्रह्मा और ऊपर वाली है मम्मा। अरे देवियां तो नौ हैं, लेकिन नौ देवियों में मुख्य एक है या नौ मुख्य हैं? एक मुख्य देवी है, बाकी तो सब क्या नाम वो गुड़ियां हैं जिन गुड़ियों में वो चलाने वाली बैठ जाती है। तो जो ऊपर की भुजा है वो है मम्मा, नीचे की भुजा है बाबा, और विष्णु की बाई ओर की दो भुजाएं, उनमें ऊपर की कौन है और नीचे की कौन है? अरे जल्दी बताओ, हैं? ऊपर की भुजा है विजयमाला की हेड, क्या है हाथ में? हैं? शंख है, जो डायरेक्शन दिया, आवाहन करो, किसका आवाहन करोगे? हैं? अरे किसका आवाहन करोगे? हैं? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला में पवित्रता को धारण करने वाली आत्माओं के बीच में वो फर्स्ट क्लास है, अव्वल नंबर है, उसका आवाहन करो। तो वो हो गई शंख ध्वनि। कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ तो पहले पहले शंख ध्वनि किसने की? शंख बजाते हैं ना तो आवाज चारों तरफ बराबर जाती है या किसी तरफ कम किसी तरफ ज्यादा? चारों तरफ बराबर आवाज जाती है। युद्ध की घोषणा होती है तो शंख ध्वनि की जाती है। तो विजयमाला का निकलना माना युद्ध की शुरुआत। युद्ध कब होगा? स्थापना हो जाएगी तब युद्ध होगा या पहले ही हो जाएगा? हा? पहले स्थापना फिर विनाश। तो राइटियस भुजा भी निकलेगी और लेफ्टेस्ट भुजा जगदम्बा महाकाली का रूप वो भी निकलेगी। इन चारों भुजाओं में सबसे श्रेष्ठ भुजा कौन सी मानेंगे? ये दो भुजाएं या ये दो भुजाएं? ऊपर की दो भुजाएं या नीचे की दो भुजाएं? ऊपर की दो भुजाएं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऊपर की दो भुजाएं राइटियस कौन सी? शंख ध्वनि। हाँ, जो शंख ध्वनि करने वाली है वो ही लक्ष्य प्राप्त करती है। लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? ब्रह्मा से विष्णु कौन बनता है पहले पहले? तो कौन बना है? छोटी बनी।
और छोटी मन्नी अकेले बन जाती है विष्णु या कोई साथ में और चाहिए? अरे विष्णु लक्ष्मी नारायण दो को मिलकर के विष्णु बनता है या एक से बन जाता है विष्णु? है लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए। तो वैष्णवी शक्ति के साथ नारायण भी है तो दोनों मिलकर के ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं। कितने ब्रह्मा हैं? अरे भक्ति मार्ग में ब्रह्मा माने जाते हैं। कितने ब्रह्मा? अनेक ब्रह्मा हैं या एक ब्रह्मा है? हाँ अनेक ब्रह्मा हैं, पांच हैं। पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, चार मुख वाले ब्रह्मा, पांच मुख वाले ब्रह्मा, गायन तो है ना। तो पांचों मुखों में श्रेष्ठ मुख कौन सा हुआ? है प्रजापिता ब्रह्मा श्रेष्ठ हुआ जो चलाने वाला है चारों भुजाओं को। और रुको मत, धड़ाधड़ नेपाली में बोल जाओ। बाबा ये बोल रहा है मधु कैटा भरने कोई मधु कैटा नाम का एक क्या था दैत्य था? मधु कैटा नाम का एक दैत्य नहीं था, दो थे। एक का नाम मधु और एक का नाम कैटव। हाँ मधु कोई दूसरी चीज नहीं है। मधु का अर्थ होता है मीठा, मधु माने शहद। हाँ कैटव तो दो हैं, एक काम और एक क्रोध। तो वो बोल रहा है तो जब पहले वो मधु पहले जल ही जल था तो वो मधु राक्षस को विष्णु ने मार दिया तो ऐसा पत्थर निकल गया। बोल रहा है ये क्या बात है? पृथ्वी बन गई, पृथ्वी बापू से पृथ्वी बन गई। पृथ्वी बन रहा है ऐसा पृथ्वी बन गया इसको दानव मरने के बाद? क्या है उससे पहले पृथ्वी नहीं था, जल ही जल था ऐसा शास्त्र में लिखा है। जब काम विकार को मार दिया जाएगा और क्रोध विकार को मार दिया जाएगा तो काम और क्रोध जो मुख्य राक्षस हैं इनको मार दिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा? काम विकार और क्रोध विकार। काम विकार किसमें ज्यादा है, क्रोध विकार किसमें ज्यादा है? एक है स्त्री का रूप, एक है पुरुष का रूप। कौन है पुरुष और कौन है स्त्री इन दोनों में? स्त्री संस्कार दोनों में किसमें ज्यादा है? क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। क्या? क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। क्रिश्चियन है क्रोध रूप और इस्लामी कामी है। औलाद किसकी है? हाँ? अरे इस्लामी जो द्वापर युग के आदि से आए वो किसी की औलाद बने कि नहीं बने? हाँ, हाँ द्वापर के आदि में कौन था? हाँ? अरे द्वापर के आदि में कृष्ण था, त्रेता युग था। त्रेता युग में राज्य किसका होता है?
हाँ, तो राम की औलाद हुए ना। ऐसे ही दो नाम दे दिए हैं राम के बच्चों के, दो नाम हैं, एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश। लव प्यारा होता है या कांटा होता है? प्यारा होता है, तो उसका नाम दे दिया लव। उनका नाम दे दिया उधर मधु, वो है कुश। एक घास होती है उसका नाम होता है कुशा घास, कांटा, उसका नाम दे दिया कैट। एक ही बात को अनेक तरीके से बोला गया है, तब पृथ्वी पैदा हुई। द्वापर कलयुग आया तो कहेंगे पृथिव्याति, जो विस्तार को पाती है वो है पृथ्वी। द्वापर से आदि में पृथ्वी छोटी थी या बड़ी थी? तब नाम भारत था या पृथ्वी था? तब नाम भारत था, भारत माता। भारत माता कृष्ण होती है, वो कन्याकुमारी है या अदर कुमारी है? भारत माता भारत माता है, कन्याकुमारी माने कृष्ण है, और फिर माता हो जाती है। कब? द्वैतवादी युग से, तब माता बनती है पृथ्वी। पृथ्वी आती है, चौड़ी चक्री बनती है माता की तरह, अनेक बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन कैसे कैसे कितने कितने प्रकार के बच्चों के जन्म हो जाता है। तो जो प्रश्न है, हो पृथ्वी का जन्म हुआ, कब हुआ? जब मधु कौटम मारे गए। और क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं भविष्यवाणी हो गया, भविष्य भस्म बचता है या क्या क्या बोलता है, भविष्य बचता है कि हम लोग को पढ़ाते बोलता है ना क्रिश्चियन लोग, और सपाणी में भी बोला है बोलता है ना, उसका क्या है वास्तव है? बाइबल में लिखा है कि प्रभु अंत में ऐसे आएंगे, जिन्होंने आकर स्वर्ग में ले जाएंगे, बोलता ये क्या बात है? ऐसा हमको भी वाणी है बोलती है, बिना सो जाएंगे तो हम भी जिंदा जाएंगे, कवर से उठा कर ले जाएंगे, ऐसे कवर में तुमको अभी दाखिल कर दिया है, अभी कवर से हम जिंदा, देवान की कवर में दाखिल तो है हम सब। वो लोग बोलते हैं कि सर क्रूस बना, क्रूस बना कर डालते हैं, क्रूस में ऐसे ऐसे क्रूस बना कर रखते हैं, जब विनाश के टाइम होते हैं तो उसी में आकर आत्मा प्रवेश कर जाती है, फिर कांटे में प्रवेश करती है। बड़े से बड़ा कांटा क्राइस्ट बनता है या प्रजापिता बनता है? तो फिर बड़े से बड़ा कांटा जो क्रोध है या काम विकार है? क्रोध है, काम विकार सबसे बड़ा कांटा है। दुनिया समझती है कि क्रोध बड़ा कांटा है, क्रोध बड़ा कांटा नहीं है, काम विकार ही सबसे बड़ा कांटा है। बड़े से बड़े कांटे में आकर के मैं उसे बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। क्राइस्ट में नहीं आता है भगवान, वो बाइबल कह दिया है, क्राइस्ट ने अपने को, मैं तो उसका बच्चा हूँ गॉडफादर का, तो और सब भतीजे हैं क्या? तैयारी नहीं होता है ना। छोड़ दो, जब टाइम आएगा तो सुनेंगे। हर एक की पैदाइश का अपना अपना टाइम होता है ना, हर एक बड़ा बच्चा थोड़े ही हो जाएगा, जो पहले पैदा होने वाला होगा वो बड़ा बच्चा बनेगा, जो बाद में पैदा होगा बाद में जन्म लेगा बाद में ज्ञान में आएगा तो छोटा बच्चा बनेगा। आप क्राइस्ट के गुण क्यों गा रहे हैं? आप पहले पैदा हुए बाद में पैदा हुए? मैं
हमने पूछा था ना। हाँ चल गया। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी भले गई क्रैश, भले क्रिश्चियन धर्म में गई, लेकिन बाबा कहते हैं लास्ट में तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे। और वो आखिरी जन्म में गई क्रिश्चियन में या पहले से ही क्रिश्चियन धर्म में थी? अभी लास्ट जन्म में गई, ये तो अंत समय में जाने वाले हैं। दूसरे दूसरे धर्मों में ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं, शुरुआत के कन्वर्ट हुए तो बहुत थोड़े हैं भारत वर्ष में। शुरुआत के जो कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो सब लंदन में निवास कर रहे हैं, वो भारतवासी नहीं है। अब उन्होंने ज्यादा भारत में वास नहीं किया है, कहाँ वास किया है? लंदन में, अमेरिका में। भारतवासी वो हैं जो एक दो जन्म से कन्वर्ट हुए हैं, पहले पक्के हिंदू थे। और बाबा राम और परशुराम राम और परशुराम ये भी है अलग है नहीं? परशुराम चार कला संपूर्ण, राम 14 कला संपूर्ण, एक कैसे हो जाएंगे? राम तो क्षत्रिय कुल के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ माने जाते हैं, रघुवंश में श्रेष्ठ सूर्य के समान माने जाते हैं। और परशुराम ने क्या किया? परशुराम ने तो क्षत्रिय कुल का ही नाश कर दिया। राजा ही खत्म कर दी, राजाओं का सत्यानाश कर दिया। भगवान आकर के राजा ही स्थापन करते हैं और परशुराम क्या करते हैं? परशुराम गुस्से में आ जाते हैं तो राजाओं का ही नाश कर देते हैं। न्यूज कौन लिखता है? आदमी तमो प्रधान है, सतो प्रधान है, तो फिर उनकी बात क्यों उठा रहे हैं? वो माया कैलेंडर लिखा किसने? कहाँ से आया? उसका मुखिया कौन है? नाम क्या है? सब माया ही माया है, माया अपने गुप्त रखती है। प्रचार बहुत हो रहा है, हाँ तो माया कैलेंडर में क्या क्या बताया है? 2012 के बाद कोई तवारीख नहीं, वो तो माया कैलेंडर ने अब बताया। जो हिजरी संबत है, मुसलमान जो लोग जिसको मानते थे, वो तो 1980 में उनकी तवारीख खत्म हो गई, संबत खत्म हो गया। वो कहते हैं 1980 के बाद विनाश की दुनिया है, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ न कुछ तो हमेशा ही होता रहता है। ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, जो कुछ न कुछ होता नहीं है? रोज नया, रोज कुछ न कुछ नया होता रहता है। आपको ज्यादा श्रद्धा विश्वास है इसलिए आपकी बुद्धि ज्यादा चल रही है, हाँ। बहुत में बहुत ये हो सकता है कि 2012 जो उन्होंने बताया है वो उस टाइम पर ब्राह्मणों की दुनिया में जो पांडव संप्रदाय हैं एडवांस पार्टी के, उनके 13-14 साल पूरे हो रहे हैं। क्या उनका वनवास पूरा हो रहा है, इसलिए परिवर्तन होगा थोड़ा। बाकी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो दुनिया में चारों तरफ आवास फैल जाए या परिवर्तन हो जाए या
नई दुनिया की स्थापना हो जाए, पुरानी दुनिया का टोटल विनाश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाबा हाँ। ये बाप दादा के घर में सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठे ना बाबा, कब ये तो बात सब का ये या बाप दादा प्रोफेसर होने से पहले इकट्ठा होंगे उसके बाद हो जाएगा। संगठन संगठन इकट्ठा होना माने संगठन यूनिटी, तो यूनिटी पहले थोड़ों की बनेगी या ढेरों की बनेगी? पहले 8 की यूनिटी बनेगी कि 108 की बनेगी कि 1008 की बनेगी कि 16108 की बनेगी कि 1,00,000 की बनेगी कि 9,00,000 की बनेगी कि 2 करोड़ की बनेगी कि 33 करोड़ की बनेगी? कितनों की यूनिटी पहले बनेगी? खत्म बात। जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ हैं, जो बिल्कुल सजाएं नहीं खाते वो यूनिटी बनाएंगे। वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं कि उन्होंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जो उनको सजा खानी पड़े। अच्छे से अच्छे कर्म करने वाली जो आत्माएं हैं वो इवर प्योर बाप के अव्वल नंबर के बच्चे हैं। वो अव्वल नंबर की दुनिया में पहले जाएंगे। अल्लाह आकर के जो अव्वल दीन स्थापन करते हैं, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करते हैं, वो अल्लाह अव्वल दीन की अव्वल दुनिया में वो आत्माएं पहले आवेंगी। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? हाँ जी, ढेर के ढेर नहीं आ जाएंगे। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, जो ऊंचे से ऊंचे कर्म करे सो अल्लाह। ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहता हो सो अल्लाह। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाए सो अल्लाह। बाबा हाँ, हम गेजिंग का भाई है हाँ? पाठशाला का नहीं, गेजिंग का अभी तो माने पता नहीं है हमको हाँ? पता नहीं है आपसे पूछ रहे गेजिंग कैलसिंग का अर्थ। उस दिन भी वही बात हुआ था जब आप उधर गए थे। जंग का अर्थ क्या होता है? हिंदी में जंग शब्द है उसका अर्थ क्या है? हैं लड़ाई हो गई जंग। कहां गई? लड़ाई में गई। तो हमारी माया की लड़ाई, हमारी लड़ाई काई की है? माया की लड़ाई है, तो माया की लड़ाई में गई गई जंग। बहुत खुश हो रही है। और है हाँ। अच्छा ये बात हल हो गई हाँ? वो बात हल हो गई। चलो आगे चलो हाँ। दूसरा बात है हाँ? जब आदमी किसी को भी अस्त होगा ना, किसी को 84 वर्ष का होगा, तो बोलते हैं 84 वर्ष का जो आदमी है वो आत्मा है। आत्मा वो अच्छा कहे तो आशीर्वाद होगा, और खराब बोले तो श्राप होगा। वो सही है ना? माने 84 जो आत्मा जन्म लेती है, 84 साल आत्मा शरीर के 84 जन्म होता है बाबा हाँ। 84 बरस का हो जाता है हाँ। इसी जन्म लेकर 84 जन्म हो जाता है, तो उसने अच्छा बात बताई अच्छा होगा, तो 84 वर्ष घूमने वाला ने बुरा बात बताई तो बुरा हो जाएगा। ये सही है, क्या सही है या नहीं है? तो रहा है मैंने जो वाचा है वो सिद्ध हो जाए हाँ। वाचा जो है वो सिद्ध हो जाए, तो वाचा सिद्ध हो जाना, संकल्प सिद्ध हो जाना, कर्म सिद्धि हो जाना,
ये सिद्धि हो जाना सतो प्रधान आत्मा की निशानी है या तमो प्रधान आत्मा की निशानी है? सतो प्रधान आत्मा की निशानी है। आज की दुनिया में वो 84 जन्म साल का हो जाए, पता कैसे लगेगा इसने 84 जन्म लिए हैं या नहीं लिए? वो तो यहाँ ज्ञान में बैठा होगा तब ही पता चलेगा ना। 84 जन्म लिए हैं वो तब साबित होता है जब कि यहाँ ज्ञान में बैठा हुआ हो एडवांस में, तब साबित होता है कि हाँ उसने 84 जन्म लिए होंगे। वो भी कोई जरूरी नहीं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं दूसरे दूसरे पार्टियों में खिसक जाएंगे। अगर दूसरी पार्टियों में खिसक गए, चले गए, कन्वर्ट हो गए, तो 84 जन्म लेने वाले हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो अभी तो किसी को कहा ही नहीं जा सकता कि 84 जन्म लेने वाला कौन है। आज हम ज्ञान में चल रहे हैं और आज ज्ञान में चलते चलते कहीं किसी विष्णु पार्टी के चक्कर में आ गए, उससे प्रभावित हो गए और हम भूल गए, मुरलियों को भूल गए, चित्रों को भी भूल गए, बाबा के महावाक्यों को भूल गए, बाबा की जो भी बातें हैं सारी भूल गए, तो फिर हम 84 जन्म लेने वाले साबित होंगे? नहीं होंगे। तो पहली तो बात यह है कि पता कैसे लगे 84 जन्म लेने वाला कौन? चलो पता नहीं भी लगे, चलो किसी ने 84 जन्म भी लिए और 84 वर्ष का भी हो गया, तो जिस टाइम पर 84 वर्ष का हुआ वो टाइम दुनिया का तमो प्रधान टाइम चल रहा है या सतो प्रधान टाइम चल रहा है? कैसा टाइम चल रहा है अभी? तमो प्रधान टाइम चल रहा है। तो तमो प्रधान टाइम में सतो प्रधान कहाँ से आ जाएगा? अभी तो महावाक्य आया, पतित दुनिया में सब पतित ही होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे। भले 84 जन्म लेने वाला हो, भले 84 साल का हो गया हो, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो कुछ मुख से बोलेगा सो सच्चा साबित होगा। अगर ऐसा है तो मान लो कोई 84 वर्ष का बैठा हुआ है, वो बोल दे अरे कल ही स्वर्ग आ जाएगा गंगटोक में, तो फिर आ जाना चाहिए। 84 का मतलब उम्र होता है, 84 का पूजा। वो पूजा का कारण ये है कि पूजा पवित्र की होती है क्या, तो जिन आत्माओं ने 84 जन्म लिए हैं वो पवित्र देवात्माएं हैं, उन्हीं की पूजा होती है, औरों की पूजा नहीं होती। जिन्होंने 83 जन्म लिए हैं वो खंडित देवताएं हैं क्या, उन्होंने पक्की पवित्रता को धारण नहीं किया है, उनकी पवित्रता खंडित हुई। जो खंडित होने वाले हैं वो 84 के चक्र में नहीं आ पाएंगे। खंडित होना माने हिम्मत हार गए। साइकिल पे कोई चढ़ रहा है बार बार गिरता है, फिर बार बार साइकिल पे बैठ जाता है, उसे हारा हुआ कहेंगे जीता हुआ कहेंगे? हारा हुआ तो नहीं कहेंगे, जीता हुआ भी नहीं है क्योंकि बार बार गिर रहा है, लेकिन हारा हुआ भी नहीं कहेंगे। ओम शांति।